में हमने क्या देखा कि आपराधिक मानव वध जो है वो हत्या कब होता है। आज की क्लास में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं है, ठीक है, वो केवल आपराधिक मानव वध है, हत्या का स्वरूप जो है वो धारण नहीं करेगा। तो आज की क्लास में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आपराधिक मानव वध जो है वो कब हत्या नहीं है। कल की क्लास में हमने देखा था हत्या के जो आपराधिक आवश्यक तत्व तो हैं उनको देखने का प्रयास किया था हमने। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि सदोष मानव वध कब हत्या नहीं होता है। तो इसके बारे में जो आपको प्रावधान है वो जो धारा 300 है उसमें जो अपवाद वाली स्थिति दी हुई है जिसमें पांच अपवाद वर्णित हैं, तो इन पांच अपवादों में जो आपराधिक मानव वध है वो हत्या नहीं होगा इसके बारे में बताया। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि सबसे पहला जो बिंदु है वो ये है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन जो है, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन, इसको लिखते जाना। ठीक है, पहला ये चीज हुआ। दूसरा है व्यक्तिगत प्रतिरक्षा, ये याद करने के लिए लिख लो। तीसरा नोट कर लो, लोक सेवक द्वारा शक्ति का अतिक्रमण। चौथा पॉइंट नोट कर लो, आकस्मिक लड़ाई। ठीक है, और पांचवा जो पॉइंट है वो है सहमति से की गई मृत्यु। तो ये पांच पॉइंट हैं आपके। तो जब भी आपको कोई अगर ये सवाल पूछता है ना कि कब आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, तो ये पांच पॉइंट में आपको बोलना है कि जब गंभीर एवं अचानक प्रकोपन होता है और उससे हत्या हो मतलब आपराधिक मानव वध होती है तो हत्या नहीं है, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण हो जाता है तब वो हत्या नहीं है, लोक सेवक द्वारा शक्ति का अतिक्रमण, आकस्मिक लड़ाई, सहमति से की गई मृत्यु, तो इन सब चीजों में क्या होता है, जो आपराधिक मानव वध जो है वो हत्या नहीं है, तो हत्या की कोटि में वो नहीं आए। अब हम इन्हीं बिंदुओं को क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करें। तो पहला जो है गंभीर एवं अचानक प्रकोपन जो है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, तो देखो सबसे पहला अपवाद ये बताया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति अचानक और गंभीर प्रकोपन के कारण आत्मसंयम खो बैठता है और उस स्थिति में वह प्रकोपन देने वाले व्यक्ति की मृत्यु कर देता है तो सदोष मानव वध का दोषी माना जाएगा, न कि हत्या। ठीक है, तो सदोष मानव वध है, सदोष मानव वध कब हत्या नहीं है, मतलब इसका ये होता है साधारण से शब्दों में कि वो आपराधिक मानव वध ही है, उसको हम हत्या की कोटि में नहीं ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हत्या तो नहीं लगेगा लेकिन उसके बाद सदोष मानव वध जो है उसका जो चार्ज है वो लगेगा। अब यहाँ पे देखो कि प्रकोपन जो है, प्रकोपन का साधारण शब्दों में मतलब है गुस्सा दिलाना। ठीक है, गुस्सा होकर प्रकोपित हो गया मतलब गुस्से में आ गया, तो प्रकोपन मृतक द्वारा दिया जाना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए, तो ये चीज को आप ध्यान में रखें। तो देखो इससे रिलेटेड जो फेमस केस है ना वो है के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये केस सुने हो, नाम वाम याद है क्यों? रुस्तम, रुस्तम मूवी देखे हो?
ठीक है, वो इसी के ऊपर बेस है। और एक और मूवी आई थी इसके ऊपर, बहुत थोड़ा बहुत पहले आई थी। तो ये जो केस है ना, के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये इस अपवाद से रिलेटेड केस है इस। तो देखो ये इसमें क्या हुआ था कि अभियुक्त जो है वो अपने दोस्त के साथ अपनी पत्नी द्वारा प्रेम संबंध स्वीकार कर लिए जाने के बाद योजनाबद्ध ढंग से अपने दोस्त की मृत्यु कर देता। तो अचानक प्रकोपन का तर्क दिए जाने पर न्यायालय ने मानने से इनकार कर दिया था और उसे हत्या का दोषी माना था। विचारण है ना, विचारण न्यायालय में। तो इस जो केस था उसमें निर्णय में यह बताया गया कि प्रकोपन दिए जाने तथा घटना घटित होने के समय अंतर बहुत कम होना चाहिए। मतलब आज आपको प्रकोपन मिला और आप कल जाके मृत्यु कारित करते हो तो ये जो है ये चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, तो अब इसी में देखो कि के एम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो केस था उसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा प्रकोपन के बारे में। तो देखो, प्रकोपन उस समय अचानक एवं गंभीर माना जाएगा यदि यह निष्कर्ष निकाला जा सके। तो क्या निष्कर्ष निकालोगे आप, कि सबसे पहले प्रकोपन के बारे में देखना कि ये क्या बोला, अचानक और गंभीर। ठीक है, तो इसकी कोटि जो अचानक और गंभीर होनी चाहिए, तो ये हम कब इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे या न्यायालय कब इस निष्कर्ष पे पहुंचेगा कि जो दिया गया प्रकोपन था वो अचानक था या गंभीर था। तो पहला पॉइंट ये है कि एक युक्तियुक्त व्यक्ति उन परिस्थितियों में जिनमें अभियुक्त था अपना आत्मसंयम खो बैठे। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या देखना है कि जैसे कोई गुस्से में ही रहता है और बहुत जल्दी आवेश में आ जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पे क्या है कि एक आम आदमी को भी ना गुस्सा आ जाता, ठीक है, वो प्रकोपित हो जाता, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। तो ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु ये है कि घटनाग्रस्त व्यक्ति की स्थिति पर भी विचार करने से ऐसा निष्कर्ष निकलता हो कि वह व्यक्ति आत्मसंयम खो बैठा था। तो इस चीज को देखना और इससे तुलना करने के बाद हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि चूंकि एक आम आदमी भी इन सब चीजों से गुस्से में आ जाता, तो वो व्यक्ति जिसने मृत्यु कारित की है वो भी गुस्से में आ गया था, ये निष्कर्ष निकलना चाहिए। तीसरा ये है कि मृत्यु स्पष्टता उस प्रकोपन का परिणाम होना चाहिए। ठीक है, तो जब आप आवेश में आए तो उस आवेश के परिणाम स्वरूप ही मृत्यु कारित होनी चाहिए, किसी अन्य कारण से नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि चौथा जो हम वो देखेंगे उसमें, देखो भारत में शब्द एवं संकेत भी कुछ परिस्थितियों में ऐसा प्रकोपन करने वाले माने जाते जा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जरूरी नहीं है कि वो शब्दों से ही आपको प्रकोपित करें, कुछ ऐसे इशारे हो सकते हैं या कुछ ऐसे शब्द हो सकते हैं, संकेत हो सकते हैं जिससे आपको गुस्सा या आवेश जो है वो दिलाया गया हो, प्रकोपित किया गया हो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखने के बाद जो निर्णय निकालने के बाद हम जो निष्कर्ष निकालेंगे उससे हम ये देख सकते हैं कि जो दिया गया प्रकोपन था वो अचानक था और गंभीर था। तभी क्या है इस अपवाद का आपको लाभ मिलेगा, अभियुक्त को लाभ मिलेगा। ठीक है, अब देखो अब एकदम सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं कि इस अपवाद को, ठीक है, जो 300 धारा 300 का पहला अपवाद है, इस अपवाद को लेने के लिए आपको क्या साबित करना पड़े। तो सबसे पहले आपको यह साबित करना है कि प्रकोपन मृतक द्वारा कार्यों या शब्दों द्वारा किया गया था, कि आपको गुस्सा जो आया वो उसी के कारण आया। ठीक है, दूसरी चीज यह है कि प्रकोपन जो था वो एकदम अचानक और गंभीर था जिससे आत्मसंयम खो देगा, और प्रकोपन के कारण युक्तियुक्त व्यक्ति जो था उसने आत्मसंयम खो दिया। तो ये चीजों को न्यायालय के सामने में आपको क्लियर करना पड़ेगा कि अगर आपको इस अपवाद का लाभ लेना है आपके क्लाइंट को तो। ठीक है, तो ये था, मैं आशा करता हूं कि ये के एम नानावटी का जो केस है वो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे केवल जो लड़ाई थी ना वो 299 वर्सेस 300 की लड़ाई,
तो वहां साबित करने का ये प्रयास किया जा रहा था कि ये 299 का मामला है, 300 का मामला नहीं है। अब देखो इसी का एक और है, बलकू का मामला ऐसे करके, केस का पूरा नाम नहीं है यहाँ पे, ये है आपका AIR 1938 इलाहाबाद 789 का। इस केस से और थोड़ी सी समझ बढ़ेगी हमारी। देखते हैं कि इस मामले में क्या था, अभियुक्त और उसकी पत्नी की बहन का पति खा एक ही चारपाई पर सोए हुए थे। कौन कौन? अभियुक्त, उसकी पत्नी और पत्नी की बहन का पति एक ही चारपाई पर सोए हुए, और पास ही कमरे में अभियुक्त की पत्नी सोई हुई थी। ठीक है, अब रात्रि में किसी समय ख जगता है। ख कौन है? उसकी बहन का पत्नी पति। ठीक है, और उस कमरे में चला गया जिसमें अभियुक्त की पत्नी सोई हुई थी। ठीक, इसी बीच क्या होता है, अभियुक्त उठा और एक छेद से उस कमरे में देखा तो ख तथा अपनी पत्नी को लैंगिक संभोग करते हुए उस समय अभियुक्त वापस आकर चारपाई में सो गए। कुछ समय पश्चात ख भी कमरे से बाहर आकर अभियुक्त के पास चारपाई पर सो गया। अब जब ख को गहरी निद्रा आ गई तो अभियुक्त ने उस पर चाकू से प्रहार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, ख की मृत्यु हो गई। यह धारण किया गया कि अभियुक्त गंभीर और अचानक प्रकोपन के अंतर्गत मृत्यु कारित की थी। ठीक है, तो यहाँ पे समय अंतराल था लेकिन वो इतना नहीं था कि हम ये बोल सकें कि जो मृत्यु कारित जो हुआ, जो परिणाम था, वो परिणाम किसके कारण था। वो जो परिणाम था वो था उस अचानक उस घटना को देखने के बाद। ठीक है, उसी के कारण उसको गुस्सा आया और उस चीज से उसके उसने उसके परिणाम स्वरूप क्या है, सामने वाले की मृत्यु हो गई। तो ये था आपका जो केस बलकू का केस था। अब इसी संदर्भ में हम एक और केस देखते हैं, नमला सुब्बा राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये 2007 का मामला है। देखो इस केस में क्या है, अभियुक्त ने अपनी पत्नी की हत्या उसके प्रेमी के घर में कर दी। पत्नी ने पति के साथ रहने से और प्रेमी के घर से वापस आने से इनकार कर दिया। घर जाते समय रास्ते में एक हथियार से अभियुक्त ने पत्नी की हत्या करने के लिए उठा लिया, तो उच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया यहाँ पे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कि यह परिस्थिति गंभीर और अचानक प्रकोपन की नहीं है, अतः अभियुक्त जो है वो हत्या का दोषी है। ठीक है, तो देखो जैसे वो उसके घर गया होगा, ठीक है, अपनी पत्नी के प्रेमी के घर गया होगा, वहां से उसने बोला होगा उसे कि घर चलो वापस, तो उसने मना कर दिया और वो वहीं रहने लगी। अब उसके बाद क्या है कि वो वहां से वापस आता है, उसके बाद रास्ते में क्या करता है, कोई हथियार लेता है, उसके बाद जाके वो क्या करता है, उसकी हत्या कर दी। तो यहाँ पे जो अंतराल था, तो देखो जो प्रकोपन है वो गंभीर और अचानक नहीं कहा जा सकता था यहाँ पे, सोच समझ एक मतलब वो उतने रास्ते में आया फिर उसने सोच समझ के हत्या की, मतलब आपराधिक मानव वध किया। तो ये जो आपराधिक मानव वध है इसको क्या माना उच्च न्यायालय ने, इसको माना कि ये हत्या की कोटि में आने वाला आपराधिक मानव वध है और उसे अपवाद जो एक है उसका जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। तो आशा करते हुए तीनों जो केसेस हैं आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये था आपका जो अपवाद एक है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो आपराधिक मानव वध है उसको हत्या की कोटि में नहीं गिनते, तो उसका ये जो पहला बिंदु था वो हमने देखने का प्रयास किया, जिसमें हमने तीन केसेस देखे। एक तो KM नानावटी का केस, जिसमें ये हमने देखा कि प्रकोपन जो है उसकी कसौटी देखी कि वो अचानक या गंभीर था कि नहीं था, फिर बलकू का मामला देखा, और फिर नमला सुब्बा राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का मामला देखा। अब हम चलते हैं दूसरे बिंदु पे,
जिसमें हम चर्चा करेंगे कि व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण, मतलब यहाँ पे शाब्दिक रूप से सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें साधारण बोलचाल की भाषा में, तो इसका मतलब यह है कि आपको जितना अधिकार है प्रतिरक्षा करने का, उस अधिकार को आपने लांघ दिया है और उससे ज्यादा क्षतिकारित कर दी है। तो इस बिंदु के अंतर्गत हम यही देखने का प्रयास करेंगे कि जब ऐसा होता है तो क्या आपराधिक मानववध हत्या की कोटि में आता है या नहीं आता है। तो साधारण रूप से जब हम ये देखेंगे, क्योंकि अपवाद है, तो अगर आप व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण कर देते हैं और किसी का आपराधिक मानववध कर देते हैं, तो वो केवल आपराधिक मानववध ही होगा, वो हत्या की कोटि में नहीं आएगा। तो देखो कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते समय अतिक्रमण कर देता है, मतलब उस अधिकार से आगे बढ़ जाता है, अर्थात क्या करता है, आनुपातिक क्षति, मतलब जितनी आपको क्षति करनी चाहिए थी उससे अधिक क्षतिकारित कर देता है, तो उसे क्षति, अगर उस क्षति का परिणाम स्वरूप क्या हो जाती है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वहां पे हत्या का अपराध गठित नहीं होता है, वहां केवल सदोष मानव वध का अपराध गठित होगा। तो संक्षेप में जो अपवाद दो है वो यही बताता है कि दूसरे अपवादों में ये जो चीजें हैं वो आवश्यक होनी चाहिए। कौन कौन सी बात, कि सबसे पहली चीज तो ये है कि अभियुक्त को व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार होना चाहिए, प्राइवेट डिफेंस का राइट होना चाहिए, पहली चीज। अगर देखो इस अपवाद का आपको लाभ होना, लाभ लेना है, तो क्या करना पड़ेगा कि इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले कि आपका जो क्लाइंट है, ठीक है, उसको क्या होना चाहिए, राइट टू प्राइवेट डिफेंस होना चाहिए, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि अभियुक्त ने व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण किया हो, तो अतिक्रमण प्राइवेट डिफेंस जो है उसके राइट का उसने उपयोग किया हो, और उपयोग करते करते उसने क्या किया हो, उसका अतिक्रमण कर दिया हो, ठीक है, आगे बढ़ गया हो उस चीज से, तो ये दूसरी चीज देखनी है। और तीसरी चीज क्या देखनी है आपको कि अभियुक्त ने व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण, ठीक है, तो यहाँ पे जो अतिक्रमण किया है वो कैसा हो, सद्भावना पूर्वक हो, गुड फेथ में, ठीक है, मतलब खाली जान से मारने के लिए या दुर्भावनापूर्ण ऐसा ना हो, ठीक है, तो सद्भावना पूर्वक उसने कार्रवाई की हो यहाँ पे। और चौथी चीज ये है कि कार्य बिना किसी पूर्व धारणा और प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक उपहति से अधिक उपहति करने के आशय के बिना की हो, मतलब जैसे अगर आपको कोई लाठी से मार रहा है तो आप जब उसको बंदूक से मारोगे, तो यहाँ पे ये चीज सामान्य रूप से आपको देखना चाहिए ना कि आप बच सकते थे या वो कर सकते, मतलब ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होनी चाहिए कि आप पहले से ही सोच के नहीं रखे हो कि हाँ वो लाठी लेके आएगा मेरे घर में मारने मेरे को, तो मैं बंदूक तैयार रखता हूँ, गोली डाल के, और जैसे ही लाठी से प्रहार करेगा तो मैं उसको बंदूक से मार दूंगा, ऐसे करके। तो इन सब चीजों में और क्या है कि आपकी जो धारणा है ना वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप उपहति को पहले से ही सोच के रखे हो कि मैं उससे ज्यादा उपहति कारित करूंगा ऐसे, तो ये धारणा जो है वो आपके में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो प्राइवेट डिफेंस जो है वो आप पहले से मन बना के ना रखा हो आपने कि उससे ज्यादा मैं क्षति कारित करूंगा, तो अगर ये सारी चीजें आप दर्शित कर देते हो तो आपको क्या है कि न्यायालय में जो 302 का अपवाद दो है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, आपको इसके अंतर्गत लाभ मिलेगा और आप पे हत्या का चार्ज नहीं लगेगा, मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा, आपके ऊपर केवल क्या लगेगा, सदोष मानववध या आपराधिक मानववध ही लगेगा। तो इसका मतलब तात्पर्य आप ये मत समझिएगा कि आपके ऊपर फिर मतलब कोई चार्ज ही नहीं लगेगा, यहाँ पे 302 नहीं लगे, लेकिन 299 का अपराध तो यहाँ गठित हो ही गया, ठीक है। तो इन सब चीजों में आप बहुत ध्यान से समझ के चलिएगा कि ये ऐसे अपवाद नहीं है जिसमें विचारण ही नहीं होगा या आपके ऊपर अपराध ही गठित नहीं होगा, हम केवल उन्हीं विषयों की चर्चा कर रहे हैं जिसमें 300 का अपराध गठित नहीं होता है, वो केवल 299 का ही अपराध गठित होता है, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए अब ये जो अपवाद है इसमें जो सिद्धांत है वो किस पर निर्भर करता है, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि कानून स्वयं किसी व्यक्ति की मृत्यु से कम कोई भी क्षति कारित करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है, और यदि इस अधिकार के प्रयोग में कोई मृत्यु कर देता है तो उसे कठोर दंड से दंडित नहीं करना चाहिए। तो भूलवश अगर आप अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण कर देते हैं
तो आपको कठोर दंड नहीं दिया जाए। हालांकि आपने मानववध तो किया है और वो क्या है, सदोष मानववध है, तो यहाँ पे आपको उसके कठोरतम रूप मतलब हत्या के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, आपको केवल क्या किया जाएगा, सदोष मानववध के लिए दंडित किया जाएगा। तो इसके पीछे जो सिद्धांत है वो यही है। अब देखो इससे संबंधित एक केस है, नवीन चंद्र वर्सेस उत्तरांचल, स्टेट ऑफ उत्तरांचल। तो इस केस में क्या हुआ था, 2007 का मामला है। इस केस में यह हुआ था कि घटना से पहले आपस में जबानी कहासुनी हुई, मतलब तू तू मैं हुई, और गुस्से में आकर अभियुक्त ने क्या किया, निरस्त्र व्यक्तियों के मर्म स्थानों पर वार कर, मतलब वो कोई औजार नहीं पकड़े हुए थे, तो उनके जो मर्म स्थान होते हैं उस पे वार कर दिया। तो इस मामले में क्या है, दो भाइयों के मध्य पारिवारिक विवाद हुआ था। घटना के एक दिन सुबह अभियुक्त को पीटा गया था। पंचायत के द्वारा उनके बीच समझौता करवाने के दौरान अभियुक्त क्रुद्ध हो गया और उसने आक्रमण कर दिया। न्यायालय ने हत्या के लिए अभियुक्त को व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का लाभ नहीं प्रदान किया। न्यायालय ने कहा कि शरीर संबंधी अपराध की आशंका के शुरू होने से इस प्रकार का अधिकार प्रारंभ होता है और जैसे ही खतरा बने, और कब तक बने रहता है, जब तक वो खतरे जो खतरा है वो जब तक बने रहता है तब तक अधिकार बना रहता है। तो मतलब यह है कि इस अपवाद का आपको अगर लाभ लेना है तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो सिद्धांत हमने पढ़ा है, ठीक है, तो जैसे ही चालू होता है और जब तक रहता है आशंका, ठीक है, जब तक आशंका रहती है तब तक ही वो बना रहता है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। तो इस बीच में ही आपको अगर उसका आप अतिक्रमण करते हो प्राइवेट प्रतिरक्षा का, तो ये जरूरी है कि यहाँ पे देखिए, मतलब जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के जितने भी आवश्यक चीजें हैं वो चीज यहाँ लागू होगी और उसका फिर आप अतिक्रमण करोगे तब आप उसको इस अपवाद का जो लाभ है वो आपको तभी मिलेगा। तो हमने देखने का प्रयास किया कि दूसरा जो अपवाद है उसके अंतर्गत कि व्यक्ति अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए जब अतिक्रमण कर देता है और किसी व्यक्ति परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब क्या है वहां पे वो आपराधिक मानववध जो है वो हत्या की कोटि में नहीं आता है। तो ये हमने देखने का प्रयास किया। अब हम देखते हैं कि लोक सेवक द्वारा शक्ति का अतिक्रमण। तो यहाँ पे देखिए कि साधारण रूप से आप समझ सकते हैं कि जिसने अतिक्रमण किया है वो लोक सेवक होना, लोक सेवकों के लिए ही ये लाभ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ के चलिए कि धारा 300 का तीसरा अपवाद जो है वो लोक सेवक द्वारा या उसकी सहायता करने वाले व्यक्ति द्वारा आवश्यकता से अधिक शक्ति के प्रयोग करके किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देने पर लागू होता है। तो किन किन व्यक्तियों के लिए लागू होगा, पहली चीज लोक सेवक या लोक सेवक की जो सहायता कर रहे हैं उन्हीं को इस अपवाद का लाभ मिलेगा। तो इसका जो दायरा है वो बड़ा कम है, अपवाद तीन। देखो दूसरा क्या है कि व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार के अतिक्रमण पर लागू होता है, जो हमने दूसरा पढ़ा था। और तीसरा जो अपवाद है वो क्या होता है, लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण किए जाने पर वो अपनी शक्तियों का अतिक्रमण करता है तब। तो इस अपवाद को अगर आपको लेना है लाभ इस अपवाद का, तो क्या 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 चीजें जरूरी हो सकती हैं। जैसे सबसे पहली चीज तो ये देखिए कि व्यक्ति का लोक सेवक या लोक सेवक का सहयोग करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। शक्ति का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति क्या हो, सबसे पहली चीज लोक सेवक होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज यह है कि यह व्यक्ति लोक सेवक को सहायता करने वाला, या तो फिर जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या हो, लोक सेवक को सहायता करने वाला। तीसरी चीज क्या हो सकती है कि लोक सेवक या उसके सहायक द्वारा शक्ति का अतिक्रमण, मतलब आपको वो शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए ना, ठीक है, कि अगर आप किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार रखते हैं तो ही आप गिरफ्तारी के समय अगर उसका इनकाउंटर कर देते हैं या कुछ उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आपको वो अधिकार होना, वो शक्ति होनी चाहिए उस लोक सेवक के पास, और उस शक्ति का क्या हो फिर, अतिक्रमण हो। और जो शक्ति का प्रयोग है, ठीक है, मतलब प्रयोग की गई जो शक्ति है वो क्या होनी चाहिए, विधिपूर्ण होनी चाहिए।
और चौथी चीज क्या है, पांचवी चीज क्या बोल सकते हैं हम, कि ये भी जो कार्यवाही है वो सद्भावना पूर्वक होना चाहिए। ठीक, मतलब आप घर से सोच के मत आ रहे हो कि हाँ इसको मेरे को मार डालना है, तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे है, और ये देखो ये जो सभी चीजें हैं वहां पे, सबसे पहली चीज ये है कि इन सब चीजों के लिए क्या होना चाहिए, जो कार्य है ना लोक सेवक का, जो कार्य है वो विधि पूर्ण होना चाहिए, ये भी ध्यान रखने वाली बात। ठीक, अब मान लो क्या होता है कि कोई लोक सेवक अगर अवैध कार्य कर रहा था और वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और उसका अतिक्रमण करता है, तो क्या ये अपवाद लाभ, मतलब उस अपवाद का इसको लाभ मिलेगा? तो क्लियरली इसको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये अपवाद वहां बिल्कुल लागू नहीं होता है जहां पे लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य जो है वो अवैध स्वरूप का है। तो ये था आपका लोक सेवक द्वारा शक्ति का अतिक्रमण, जिसके अंतर्गत हमने समझा कि इस अपवाद का लाभ लेने के लिए आपको क्या क्या चीजें जो हैं वो साबित करनी होंगी, और अवैध कार्यों के लिए ये जो अपवाद है वो आपको लोक सेवक को या उसके सहायता करने वाले व्यक्ति को नहीं मिल सकता है। तो विधिपूर्ण कार्य, वैध कार्य करते हुए ही अगर लोक सेवक अपनी शक्ति का अतिक्रमण कर देता है और परिणाम स्वरूप अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इस अपवाद का लाभ मिल सकता है। तो ये था आपका तीसरा पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, आकस्मिक लड़ाई। ठीक है, सडनली अगर कोई लड़ाई वगैरह होती है तो ये चौथा अपवाद है आपका, और दो पक्षों में आकस्मिक लड़ाई हो जाने के कारण, जैसे लड़ाई होती है और कोई सी व्यक्ति की मृत्यु, किसी एक पक्षकार की मृत्यु हो जाती है उस लड़ाई में। ठीक है, तो आकस्मिक लड़ाई से तात्पर्य क्या होता है कि बिना सोचे समझे लड़ाई होना, ये चीज याद रखना। घर से आप लाठी डंडा लेके निकले हो और लड़ाई करने जा रहे हो तो ये अपवाद तो पहले से ही नहीं मिलेगा। ठीक है, लड़ाई जो है वो अचानक होनी चाहिए, आकस्मिक होनी चाहिए। ठीक है, तो दो व्यक्तियों के बीच या दो दलों के बीच अगर आपस में लड़ाई हो जाती है और इसी बीच कोई किसी व्यक्ति को इतनी चोट आती है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ऐसा होता है और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वहां पे क्या है, हत्या का अपराध गठित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपका आशय ही नहीं था वहां पे किसी का मृत्यु कारित करने का, लेकिन वहां पे मृत्यु हो गई है। तो जो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति है जिसने मृत्यु कारित की है, उस व्यक्ति को सदोष मानव वध के लिए विचारित किया जाएगा, न कि हत्या के अपराध के लिए विचारित किया जाएगा। और इस अपवाद को लेने के लिए आपको क्या क्या चीजें जो है वो साबित करनी होंगी, कि सबसे पहली चीज तो ये है कि लड़ाई जो है वो बिना किसी आयोजन के हो, मतलब आप अगर फिक्स करके पहले से ही दो टोली, जैसे मान लो 11th क्लास और 12th क्लास के बच्चे जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि सैटरडे इवनिंग को हमको स्टेडियम में लड़ाई करनी है, और उस बीच में लड़ाई होती है और फिर कोई बच्चा मर जाता है, तो ये नहीं हो सकता है। या दो व्यक्ति डिसाइड करते हैं कि हाँ हम कल लड़ाई करेंगे, यहाँ लड़ाई करेंगे, तो जो लड़ाई है वो आकस्मिक होनी चाहिए सबसे पहले, है ना? तो पूर्व नियोजित नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जो अभियुक्त है वो कोई अनुचित लाभ ग्रहण ना किया हो। ठीक है, और साथ साथ क्या है कि उसका जो व्यवहार है ना वो क्रूर नहीं होना चाहिए, है ना? एकदम क्रूरता भरा व्यवहार ना हो, कि विभत्स दिखने में रहे और सुनने में बड़ा क्रूर व्यवहार लगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि लड़ाई जो है वो मृतक व्यक्ति के साथ ही होनी चाहिए। जैसे कोई सामने में खड़ा होकर देख रहा है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी ये लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ए और बी पार्टीज अगर हैं, बी की डेथ हो जाती है तो ये दोनों में ही लड़ाई होनी चाहिए, है ना? ये कोई सी पार्टी जो है जो देख रहा था या दुर्घटनावश वाली जो बात है वैसा नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद क्या है कि फोर्थ पॉइंट में आपको ये देखना पड़ेगा कि लड़ाई से तात्पर्य जो है, ठीक है, तो उसमें खाली बातचीत या वाद विवाद होता है ये ही नहीं होना चाहिए ना, इससे कुछ अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो खाली बातचीत वगैरह जो है वो आप बोले कि लड़ाई आकस्मिक लड़ाई थी उसको, और परिणाम स्वरूप किसी की मृत्यु हो जाती है, तो भी अपवाद जो है उसका अपवाद का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो इससे रिलेटेड एक केस है, सरगुजा प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार।
ये है आपका 1959 का केस। तो इस केस में न्यायालय ने यह डिसाइड किया था कि कठोर तथा उत्तेजित करने वाले शब्दों का केवल आदान प्रदान करना ही पर्याप्त नहीं है। जैसे गाली गलौज, बस बातचीत हो रही है ना, लड़ाई नहीं, हाथापाई होना जरूरी है। ठीक है, तो हाथ पैर से लड़ाई अगर होती है तो वो ठीक है, वो हम उसको क्या मान लेंगे, आकस्मिक लड़ाई मान लें। लेकिन केवल अगर बातचीत हो रही है तो उसको आकस्मिक लड़ाई नहीं माना जाएगा। और यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आप हथियार वगैरह का प्रयोग करो। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हथियार से ही लड़ाई हुई थी, ऐसा दिखाना जरूरी नहीं। तो ये आपका बताया गया था सरगुजा प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में। अब एक केस और देखते हैं इसी से रिलेटेड, सायाजी हनुमत। बंकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 2011 का केस है। तो इस केस में देखो, अभियुक्त और उसकी पत्नी के बीच जैसे ही वह शराब के नशे में घर में प्रवेश किया, अचानक मारपीट शुरू कर देता है। उसके बाद अभियुक्त ने जलता हुआ लैंप जो था वो क्या किया कि अपनी पत्नी पे फेंक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वो जल जाती है और 70% तक का बर्न हो जाता है। क्योंकि उसने नायलॉन की साड़ी पहन रखी थी तो जो आग है वो जल्दी और तेजी से लगी। तो अब यहाँ पे क्या किया गया कि अभियुक्त हत्या के लिए नहीं वरन काहे के लिए, हत्या के अपराध के लिए विचारित नहीं किया गया। उसको क्या किया गया कि जो 304 है, ठीक है, उसके भाग एक के अधीन दायित्वाधीन होगा और 299 जो है उसके अंतर्गत विचारित किया जाएगा। और इसको जो है तुम्हारा 300 का जो चार है, ठीक है, उसका उसका लाभ मिला है। ठीक है, तो आकस्मिक लड़ाई हो गई उनके बीच में और लड़ाई के बीच में ही ऐसा कोई काम कर दिया गया। जैसे उसको ये मतलब यहाँ पे देखो कि इन सब घटनाओं से ये नहीं पता चलता है कि उसको वो अपनी पत्नी को मार डालना चाहता था। तो ये चीज थी जो हमने देखी आकस्मिक लड़ाई के लिए। तो इससे रिलेटेड जो दो केस थे, सरगुजा प्रसाद वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का केस और एक केस था सायाजी हनुमत बंकर वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस देखा। तो ये चीज थी। अब हम आते हैं अंतिम बिंदु पे जिसमें ये बताया गया है कि सहमति से की गई मृत्यु के बारे में। तो इस जो अपवाद है, उस अपवाद का लाभ लेने के लिए आपको क्या क्या चीजें सिद्ध करनी पड़ेंगी उसको देखो। कि सबसे पहले जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित की गई है वह अपने मृत्यु की जोखिम उठाने की सहमति दिया हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि सहमति देने वाला व्यक्ति जो है वो 18 वर्ष से क्या होना चाहिए, अधिक का होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें जो है वो आपको सिद्ध करनी पड़ेंगी। अब देखो जो एग्जाम्पल दिया हुआ है तो उसमें एग्जाम्पल से देखने का प्रयास करते हैं कि यह जो कि 18 वर्ष से कम आयु का है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्या है, कम का हो गया, ये है ना, कम आयु का हो गया। अब उसके बाद क्या है कि उकसाकर का उसे स्वेच्छता आत्महत्या करवाता है। अब यहाँ कम उम्र होने के कारण यह क्या करता है, अपनी मृत्यु के लिए सहमति देने में असमर्थ था, ठीक है, ये जो बच्चा था वो। तो यहाँ पे क्या होगा कि हत्या का दुष्प्रेरण का अपराध किया है उसने, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड एक केस है, दशरथ पासवान वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1965 का केस है, पटना उच्च न्यायालय का। तो इसमें क्या है कि अभियुक्त जो था वो 10th क्लास का स्टूडेंट था, ठीक है, और वो क्या है, 3 बार फेल हो गया 10वीं क्लास में। अब हताश होकर उसने अपनी पढ़ी लिखी पत्नी से आत्महत्या करने की बात कही, तो पत्नी ने पहले अपनी हत्या करने को कहा। तो समझौते के अनुसार क्या किया, वो लड़के ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी
परंतु स्वयं की हत्या करने से पहले उसे पकड़ लिया गया, मतलब वो अपनी बीवी को मार देता है और जब वो आत्महत्या करने जाता है तो उससे पहले उसको पकड़ लेता। तो न्यायालय ने उसे सदोष मानव वध का दोषी ठहराया, न कि हत्या का। तो यहाँ पे क्या है कि जो सहमति उसकी पत्नी जो थी, है ना, वो पत्नी ने क्या किया था, सहमति दिया था यहाँ, और वो 18 वर्ष से अधिक थी। तो इसीलिए क्या है, इसको जो 5 305 है उसका लाभ मिला अपवाद का, और उस पे आपराधिक मानव वध, ठीक है, इसके लिए विचारित किया गया। तो मैं आशा करता हूं कि अब अगर आपके सामने ये प्रश्न आता है कि आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं है, कब हत्या है वाला ऊपर और कब हत्या नहीं है, तो ये 5 अपवाद आपको बताने हैं कि अगर किसी की मृत्यु कारित होती है गंभीर एवं अचानक प्रकोपण से, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार के अतिक्रमण से, लोक सेवक द्वारा शक्ति के अतिक्रमण से, आकस्मिक लड़ाई से और सहमति से की गई मृत्यु से। तो इन 3 चीजों को आप ये 5 चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। जो 300 में है वो आप याद रखिए कि ऐसा है इस स्ट्रक्चर को, और ये आपराधिक मानव कब हत्या है और आपराधिक मानव कब हत्या नहीं है इसके बारे में बताया गया है। तो ये स्ट्रक्चर अगर आपको याद रहेगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर बड़ी सरलता से दे पाएंगे कि आपराधिक मानव वध किस में है, 299 में, ठीक है। तो आपराधिक मानव वध 299 कब 300 में आता है, तो ये आपको बताएगा इस वाले पार्ट में, और कब नहीं आता है वाला पार्ट जो है 1 से लेकर 5 तक, ये चीजें आपको उत्तर में देनी होगी। तो अब कोई डाउट होगा तो पूछे। हेमंत सर,